हे दोस्तों वेलकम बैक टू मार्केट एवलिक आज के इस वीडियो में मैं और एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कस करूंगा एक्चुअली इतना सारा आई पी मार्केट में आ गया है कि मैं एक साथ सब को कवर नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी जो सब आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा उन सब को पहले कवर करने की तो इस आई का नाम है इनोवा कैपटैब लिमिटेड आई डेट ट्वेंटी से ट्वेंटी दिसंबर तक रहने वाला है इस छः दिन के अंदर आप इस आई के लिए अप्लाई कर सकते हो फेस वैल्यू टेन रुपीज़ पर शेयर का है हेंस फ्यूचर में कंपनी चाहे तो शेयर स्प्लिट के बारे में सोच सकता है प्राइस बैंड 426 टू तो 448 हंड्रेड पर शेयर का है आप 448 हंड्रेड पर शेयर का मान के चलो लॉट साइज 33 शेयर्स का है टोटल इशू साइज़ 570 करोड़ का है इसमें से फ्रेश इशू 320 करोड़ का है ये फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाएगा और ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का है ये पैसा प्रोमोटर्स के जेब में जाएगा प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच रहा है यह कंपनी बी एस सी एन एस सी दोनों जगह लिस्ट होने को देखने को मिलेगा आई पी ओ लॉट साइज का बात करें तो रिटेलर्स मिनिमम एक ही लॉट के लिए जा सकते हैं जिसमें थर्टी थ्री शेयर्स होगा टोटल अमाउंट फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी फोर रुपीज़ का रहेगा और मैक्सिमम थर्टीन लॉट्स के लिए फोर शेयर्स टोटल अमाउंट वन लाख नाइन्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी टू रुपीज़ का होगा स्मॉल एच एन आई मिनिमम फोर्टीन लॉट्स के लिए और स्मॉल एच एन आई मैक्मम सिक्सटी सेवन लॉट्स के लिए जा सकते हैं बिग एच एन आई मिनिमम सिक्सटी एट लॉट्स के लिए जा सकते हैं आई पी ओ रिजर्वेशन का बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए थर्टी परसेंट रिज़र्वेशन है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ट्वेंटी परसेंट रिज़र्वेशन है एन आई 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 और उसके साथ एच एन आई के लिए फिफ्टीन परसेंट रिजर्वेशन है बिग एन के लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन है और स्मॉल एन के लिए फाइव परसेंट रिजर्वेशन है और एंड में रिटेलर्स के लिए थर्टी फाइव परसेंट रिजर्वेशन है जो ठीक ठाक ही है लगने का चांसेस है आई पी ओपन डेट क्लोज डेट तो मैंने बता दिया है दिसंबर ट्वेंटी को ये अलॉटमेंट आपको हुआ है कि नहीं वो पता चलेगा अगर आई नहीं लगा है तो ट्वेंटी दिसंबर को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा दिसंबर ट्वेंटी एट को यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा एंकर इन्वेस्टर्स का कुछ डिटेल्स है लाइक पोर्सन साइज वन हंड्रेड सेवेंटी वन करोड़ का है फिफ्टी परसेंट शेयर्स का लॉक इन पीरियड थर्टी डेज़ है और रिमेनिंग शेयर्स का लॉक इन पीरियड नाइन्टी डेज है अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इनोवा कैप्टिव लिमिटेड कंपनी को 2005 में इनकॉर्पोरेटेड किया गया था ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो तीन बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है फर्स्ट ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रोवाइड करता है सेकंड कंपनी का एक डोमेस्टिक बिजनेस है जो ब्रांडेड जेनरिक्स में डील करता है और थर्ड कंपनी का एक इंटरनेशनल बिजनेस भी है जो ब्रांडेड जेनरिक्स में डील करता है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो टैबलेट्स कैप्सूल्स ड्राई सिरप्स ड्राई पाउडर इंजेक्शनस ऑइंटमेंट्स और लिक्विड मेडिसिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेरिक्स कंपनी ने प्रोड्यूस और सेल किया है यह सब प्रोडक्ट्स कंपनी का अपना ब्रांड्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है थ्रू 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ओवर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रिटेल फार्मसीज इसके अलावा कंपनी अपना ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करता है टू सिक्सटीन कंट्रीज ए टीम ऑफ ट्वेंटी नाइन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इस कंपनी में काम करता है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बुड्डी हरियाणा में लोकेटेड है कंपनी का कस्टमर बेस देखो एक बार लाइक सिपला ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स वोक कोरोना रेमिडीज एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ल्यूपिन मिडिले फार्मास्यूटिकल्स एडिस हेल्थ केयर जुबेंटस हेल्थ केयर अजंता फार्मा मैनकाइंड फार्मा जो भी बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो सब इसका कस्टमर है कंपनी के पास टू हंड्रेड एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और ट्वेंटी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पेंडिंग है विद द इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ अब दोज हु आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टोटल एसेट्स सेवन हंड्रेड फोर पॉइंट फोर वन करोड़ का है टोटल रेवेन्यू नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एट करोड़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन फाइव करोड़ है नेटवर्थ टू हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर सिक्स करोड़ है रिजर्वेशन सरप्लस टू करोड़ है टोटल बोरोइंग टू वन नाइन करोड़ है कंपनी कुछ हद तक डेड फ्री है ऐसा आप बोल सकते हो कंपनी का पी ई थर्टी वन पॉइंट सिक्स फोर है मार्केट कैप टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन करोड़ का है स्मॉल कैप है रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव एट परसेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ट्वेंटी परसेंट है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है अर्निंग पर शेयर 14.16 पॉइंट का है रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.58 फोर है नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू फर्स्ट कंपनी का कुछ लोन्स है उसी को रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना सेकेंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना थर्ड जनरल कॉरपोरेट परपजेज के लिए नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ग्रे मार्केट प्रीमियम वन हंड्रेड रुपीज़ का दिखाई दे रहा है फाइव हंड्रेड पर शेयर का लिस्टिंग प्राइस होगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 22.32 परसेंट के प्रीमियम के ऊपर यह शेयर प्राइस दिखाई दे रहा है बाकी आगे मार्केट के भरोसे सब कुछ है तो मैंने इस आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिया है अब आप खुद सोचो आपको इस आई में जाना है कि नहीं अगर इस सेक्टर में कुछ खास इंटरेस्ट है तो इस आई के बारे में कंसिडर कर सकते हो एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ और इस वीडियो को आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में एक लाइक like ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस डेली लाता रहूँ थैंक यू